dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Dukan, peg store, and this is Ripon. Ripon. Mukh dekha. Our name Montu Pilot. Sleet hai yalona. Hey, dekhun. हाँ तो तेरे बाप का खायब है रूपम इस्लाम कैमरा दावा होच्छे हमारा देखा ना क्या चे हाँसी गुल ऐ जी इधर अच्छा ऐ जी गाली दे रहा है कोई ये कैथलिक चर्च सियालदह स्टेशन को लग के बहुत ही ज़्यादा पुराना चर्च है और यहाँ का जो कब्रिस्तान मैंने देखा है वो सच में बहुत खराब है। आज क्रिसमस ईव के दिन देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, वहाँ पे एक बंगाली लड़की अपने हिसाब से अदर मैरी को पुकार रही है। अभी तक जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा नहीं आई है क्योंकि आज क्रिसमस ईव है, रात 12 बजे क्रिसमस पालन होगा जब जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन पड़ेगा। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा पुराना चर्च है ये, करीबन 350 से 300 साल पुराना चर्च है ये। इस चर्च अंग्रेज़ों का टाइम का चर्च है, उन्होंने ही बनाया था। यहाँ का आर्किटेक्चर देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा काफ़ी। स्टेशन के उस पार सब्जी मंडी के पास ही है द चर्च ऑफ आवर लेडी डॉलर से, ये कैथलिक चर्च है और बहुत ही पुराना। जैसे कि आपने गेट पे देखा ये चर्च 1810 में बना था, मतलब करीबन 200 से ज़्यादा साल हो गए इस चर्च को बन के। यहाँ पे देख सकते हो हर कल्चर के लोग आए हुए हैं, कुछ एक मुस्लिम कपल गया साथ में, यहाँ बंगाली लोग भी हैं, मारवाड़ी है, जो भी बंगाल में रहता है कोलकाता में, सारे लोग क्रिसमस के इस पावन पर्व को बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा के साथ पालन करते हैं। अब देख सकते हो ये सजावट, अभी क्रिसमस ट्री लगना भी बाकी है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव तरीके से सजाया हुआ है सारे चर्च को। रात के 12 बजे मेन फंक्शन है जब जीसस क्राइस्ट का जन्म होगा। ये मदर मैरी स्टेचू देख सकते हो और ये हम चर्च के अंदर जा रहे हैं। चर्च के अंदर यहाँ पे जीसस क्राइस्ट के लिए प्रेयर होती है, सारे जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे प्रेयर करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे यूरोपियन आर्किटेक्चर का झलक मिलता है आपको और इसी स्टाइल में बनाया गया है प्रार्थना घर या प्रेयर हॉल जिसको बोलते हैं प्रेयर हॉल। और प्रेयर हॉल के अंदर जो बेंचेस है कुछ ऐसे तरह का दिखाई देता है, देख सकते हो क्लियरली। वहाँ पे घुटने टेक के जो प्रेयर किया जाता है क्रिश्चियन कम्युनिटी में, उसके लिए भी व्यवस्था है। और जितने सारे संत हुए हैं कैथलिक समाज में, काफ़ी लोगों का यहाँ पे मूर्ति है या उनका प्रतिमा है, देख सकते हो। आप किसी भी कैथलिक चर्च में मदर मैरी, सेंट जॉन, सेंट जोसेफ, सारे ही संतों के साथ उनका मूर्ति पाओगे, बाकी चर्चों में नहीं। बाहर आ चुके हैं, एक मूर्ति के शॉप में है जहाँ पे क्रॉस का भी मूर्ति बनाया जा रहा है। यहाँ आ चुके हैं और एक पुरातन चर्च सियालदह के पास में, एक्चुअली सियालदह टू मैदान हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। देख सकते हो यहाँ भी जीसस क्राइस्ट का मूर्ति नहीं है क्योंकि अभी तक 12 बजे नहीं है। तो सियालदह से मैदान की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जितने पुरातन चर्च हैं सारों का दर्शन कर पा रहे हैं। देख सकते हो कितने लोग भर भर के आए हैं, ये रास्ते में ही पड़ता है। ये चर्च भी काफ़ी 200 से 250 साल पुराना है। सारे इंडिया में पहले कोलकाता ही कॉलोनाइज होता है अंग्रेज़ों के द्वारा, इसलिए क्रिश्चियनिटी का प्रभाव ज़्यादा है और उससे भी ज़्यादा बहुत पुरातन चर्च हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग। और आर्किटेक्चर भी यूरोपियन है, वेस्टर्न है, इंडियन आर्किटेक्चर नहीं देख पाओगे यहाँ के चर्च में। और देख के यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु हैं वो जीसस क्राइस्ट के सामने मोमबत्ती लगा रहे हैं, अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। और जीसस क्राइस्ट को जो क्रूसीफाई किया गया है उसका भी प्रतिमा आप देख सकते हैं। ये चर्च के अंदर छोटा बच्चा खेल रहा है। सियालदह से पैदल हम निकले थे, सारे चर्चेस के दर्शन करेंगे और यहाँ पैदल चलते चलते देख पा रहे हो कोलकाता की शान, विक्टोरिया मेमोरियल।
यानी विक्टोरिया का जो पैलेस था वहाँ तक आ चुके हैं। अब जाएंगे विक्टोरिया पैलेस के पास वाले चैंडली चर्च पे। सेंट पॉल्स कैथेड्रल 1847 से कोलकाता में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक वर्शिप का एक प्रेयर का जगह है। बहुत ही ज़्यादा पुरातन है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। आप इस भव्य आर्किटेक्चर को देख पा रहे हो, बहुत ही सुंदर है। लग ही नहीं रहा है कि हम भारत के शहर में हैं, कोलकाता में। ऐसा लग रहा है कि किसी यूरोपियन कंट्री या फिर इटली या तो यूके में है, जैसा परफेक्ट यूरोपियन डिज़ाइन में ये चर्च बना हुआ है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ देख सकते हो क्योंकि 2 साल बाद खुला है ये चर्च और क्रिसमस पालन हो रहा है, जबकि लॉकडाउन में नॉर्मल लोगों के लिए कोई रीच ही नहीं था कोई भी चर्च में। तो अभी 2 साल बाद चर्च में जो सेलिब्रेशन हो रहा है, इसके लिए कोविड की रहते हुए भी बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहा है। और जूम करके देख सकते हो जो क्लॉक बताया गया चर्च के ऊपर, और चर्च का जो टॉप का डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा पुराना है और आउट ऑफ द बॉक्स है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और भव्य लग रहा है। सारा ही यूरोपियन आर्किटेक्चर और मिडिल ईस्ट का आर्किटेक्चर से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आर्मेनियन भी आए हुए थे। जेरूसलम के भी आर्किटेक्चर बनाने वाले लोग आए थे और यूरोपियन कल्चर भी मिक्स हुआ है। दोनों का ही मिक्स है ये चर्च, तो मिडिल ईस्टर्न एंड यूरोपियन दोनों का ही डिज़ाइन देख सकते हो आप। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा अलग है। Merry Christmas, Merry Christmas, ring the
बोल collection.
ये रोड खाली कर दे ना, हमें देखिए सामने रोड।